हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज की वीडियो में। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा, जैसा कि पिछले वीडियो में वादा किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, क्योंकि इसका शायद एक नंबर या मल्टीपल चॉइस में इस बार क्वेश्चंस आने का ना बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से करना है और बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी। मैं जो बोल रहा हूँ बस इसको ध्यान से सुनते जाना, बस आप सुनते जाइए, बाकी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर दोस्तों, बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए चलिए फिर टॉपिक को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या होता है कि सर, जो पार्टनर अब बिजनेस से पैसा निकाले, पार्टनर जो बिजनेस से पैसा निकाला है ना, उसके बदले में वो क्या करेगा, फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा। सर कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा ज़्यादा आपने स्पीड से बोल दिया। मैं एक पार्टनर हूँ, ठीक है, NSCC, ठीक है, ये जो NSCC है ये क्या एक फर्म है। मैंने इनसे पैसे उधार लिए। ठीक है, अब मैं बदले में NSCC को ना क्या दूंगा सर, सीधी सी बात है सर, आप उसको ब्याज दोगे। यही सेम कॉन्सेप्ट होता है IOD में। ठीक है, क्या किया यहाँ पर, जो पार्टनर है, पार्टनर ने क्या किया, पैसे लिए फर्म से। अब वो क्या करेगा, फर्म को पैसे वापस करेगा और उसका ब्याज वापस करेगा। अब वो कितना ब्याज वापस करेगा, हमको बस उसी चीज़ को कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या क्या चीज़ है, ये बेसिकली ना दो पार्ट में डिवाइडेड है। बेसिकली मैं ये बोलूँ, कैलकुलेशन ऑफ IOD नहीं, इसे सही वर्ड बोलना चाहिए ड्रॉइंग। ड्रॉइंग दो प्रकार की होती है। ठीक है, पैसा जो हम बिजनेस से निकालते हैं ना, वो ना दो प्रकार का होता है। सर कौन सा होता है, सबसे पहला रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर इरेगुलर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, रेगुलर का मतलब होता है कि सर वो पैसा जो हम रेगुलर वे पे निकालते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, रेगुलर का मतलब क्या होता है सर, सब पता होता है। रेगुलर में क्या होता है, मेरे साथ चढ़ गई, मोटापा बढ़ गया मेरा। ठीक है, अब देखो रेगुलर में क्या होता है, सब पता होता है। क्या पता होता है हमको, कब निकाला, कितना निकाला। ठीक है, ध्यान से, कब निकाला, कितना निकाला, यानी कि कब निकाला यानी कि समय पता होता है हमको, और सेकंड चीज हमें पास क्या पता होती है कि कितना निकाला यानी कि कितना पैसा निकाला। ये दोनों चीजों की हमारे पास क्या होती है सर, इंफॉर्मेशन प्रॉपर होती है। ठीक है, यानी कि वो कब कब पैसा निकाल रहा है और कितना कितना पैसा निकाल रहा है, ये मेरे पास क्या रहती है सर, प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहती है। और ये चीजें क्या होती है, रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पे मतलब, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं हर महीने की 1 तारीख को 10,000 रुपये धंधे से निकालता हूँ, हर महीने की 1 तारीख को 10,000 रुपये बिजनेस से निकालता हूँ, ये मेरा क्या हो गया सर, रेगुलर। कैसे रेगुलर सर, टाइम पता है, हाँ हर महीने की 1 तारीख। कितना कितना पैसा निकालते हो, 10,000। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, रेगुलर मेथड। ठीक है, इसे हमने यूनिफॉर्म भी कहते हैं, ना यूनिफॉर्म वो फिजिक्स वाला यूनिफॉर्म, एक जैसा। ठीक है, यूनिफॉर्म वर्ड कैसे है पता है, स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो, क्या होती है, एक जैसी होती है ना, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा। ठीक है, रेगुलर वाला, ठीक है, गंदा तो मेरे को पता है। खैर, उसके बाद अगली आती है आपकी क्या, इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब क्या होता है, भगवान मालिक, इसका भगवान मालिक होता है। इसका मतलब क्या होता है, हमको पता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि कौन कितना पैसा निकालेगा, कब निकालेगा। ठीक है, कुछ भी हमको पता नहीं होता, सबका भगवान मालिक है। कभी मन आया गले में 15 तारीख को पैसा निकाल लिया 10,000, अगले महीने की आखिरी तारीख को निकाल रहा है, कभी 20 तारीख को निकाल रहा है, कभी 25 को निकाल रहा है, कभी 10,000 निकाल रहा है, कभी 5,000 निकाल रहा है, कभी 1,000 निकाल रहा है, कभी 1,00,000 निकाल रहा है, हमको कुछ पता नहीं होता। ठीक है, अब इस सिचुएशन पे ये वाली चीज़ें तो यूज़ हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे सर, इसको निकालने के 2 तरीके, एक होता है सिंपल मेथड और एक आपका क्या होता है सर, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, लेकिन अभी हम सबसे पहले क्या देखेंगे सर, रेगुलर मेथड को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपन रेगुलर मेथड को। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा रेगुलर मेथड। ठीक है, अपने रेगुलर मेथड में क्या होता है, एक ना फॉर्मूला लगता है। ठीक है, चीजें यूनिफॉर्म होती हैं। ठीक है, कब निकाला, कितना निकाला हमें पता होता है, तो इसके पीछे एक ना छोटा सा ना फॉर्मूला दिया जाता है। अब मैं वो आपको ना फॉर्मूला सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या होता है, मैं पहले आपको सिखाऊंगा ईयरली बेस पे। ईयरली, ठीक है, ईयरली बेस पे, यानी कि पूरे साल भर जब वो पैसा निकालता है। अब ये साल भर पैसा कैसे निकालेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ मंथ, फिर क्या आता है, एंड ऑफ मंथ।
आप लोग स्कूल में सिखा रहे होंगे ये 7.5, 5.5, 6, बात खत्म, ना याद कर लो। हम अपन याद नहीं करेंगे, अपन लोग उस चीज़ को समझेंगे कि असल में वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। फॉर्मूला समझ के आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, कभी भी कुछ भी आएगा आप 2 मिनट में निकाल लोगे, ठीक है। बस अभी मेरे को आपको थोड़ा सा फोकस चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा फोकस दिखाएंगे, ठीक है। लेट हो गया, बहुत रात के बहुत लेट हो गया, थोड़ा सा नींद में लग रहा होगा मैं आपको, लेकिन ऐसे नहीं है, अपन चालू है पूरे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर अपन। हाँ जी, तो सर ईयरली अगर वो निकालेगा तो वो क्या करेगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, या फिर वो करेगा क्या, एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। इन तीनों तरीके में से वो पैसा कैसे निकाल सकता है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। आप इससे ना कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो जो 7.5, 5.5, 6.5, ये जो ना चीज़ें बता रहे होंगे ना, वो रहे तो ना बुक में ना रट लो, रटेंगे नहीं अपन, अभी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसके लिए हमें ना क्या चीज़ चाहिए सर, कैलेंडर चाहिए। सर कैलेंडर लेके आओ, ये आ गया आपके सामने कैलेंडर, ये पूरा 12 महीने का कैलेंडर है, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये पूरे पूरे 12 मंथ्स हैं। अब इसके बेस में मैं आपको सिखाऊंगा इस फॉर्मूले में पुटअप कैसे करते हैं। सर मैं पहला सिखाऊंगा ये वाला, ठीक है। पहला बोलता है बिगिनिंग ऑफ मंथ, यानी कि वो हर महीने क्या करता है, एक तारीख को, हर महीने की एक तारीख को निकालता है, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं कि अगर मैंने जनवरी की एक तारीख को निकाला, अगर मैंने जनवरी की एक तारीख को पैसा निकाला, ठीक है। अपना फॉर्मूला क्या बोलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, यानी कि कितने महीने बचे पहली ड्रॉइंग करने के बाद। सर पूरा जनवरी बचा है, अब बोलो कि पूरा जनवरी कैसे बच गया सर, उसने जनवरी की तो एक तारीख यूज़ कर ली। हाँ जनवरी कितने कितने दिन का होता है, 31, उसमें से एक दिन यूटिलाइज किया, अभी भी कितने बचे, 30, तो एक पूरा महीना बचा है, करेक्ट। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी टोटल कितने महीने बच गए, 12, ठीक है सर। मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहला बचा 12, और उसके बाद बोलते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब वो आखिरी ड्राइंग करेगा, मतलब साल की आखिरी ड्राइंग। सर साल की आखिरी ड्राइंग मतलब 1 दिसंबर, हाँ हमको ये चीज़ पता है। तो ये लो बेटा, बेटा तो क्या है, छोटा ही हूँ मैं तो तुमसे, ठीक है। 1 दिसंबर एक मतलब आखिरी ड्राइंग ना कब करेगा, पहली अगर जनवरी में किया तो आखिरी मतलब तो सर सीधी सी बात है आखिरी महीने पे करेगा, तो 1 दिसंबर को निकाला। अब अगर उसने 1 दिसंबर को निकाला तो उसके पास कितने महीने बचे, कितने महीने बचे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, दिसंबर भी 31 का होता है, अभी भी कितने दिन बचे हैं इसके पास, 30 दिन बचे हैं। तो दोस्तों कितने हुआ, एक महीना बचा इसके पास, तो ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हुआ सर, 1/2, कितना होगा सर ये 13/2, ये कितना हो जाएगा 6.5। लीजिए दोस्तों आपका पहला एवरेज निकल गया, और आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे करके अपन सेकेंड निकालते हैं, चलिए सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्या कहता है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल, मिडिल मतलब हर महीने की 15 तारीख, ठीक है। हम एक एवरेज लेते हैं, हर महीने की 15 तारीख मतलब मिडिल, मान के चलते हैं 30 का महीना है, ठीक है। तो अपन ये दिया देखते हैं कि कब निकालेगा मिडिल, मतलब 15 तारीख को, ठीक है दोस्तों। इतना थोड़ा सा मैं आपसे कॉमन सेंस की उम्मीद करता हूँ, 12वीं में हो तुम लोग, ठीक है, आई लव यू ऑल, ठीक है। 15 तारीख 15 जनवरी को निकाला, पहले काउंट करते हैं कितने महीने बचे। सर फरवरी से दिसंबर तो 11 महीने बचे, काउंट करके दिखाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बचे, ठीक है। सर यहाँ पर भी 15 दिन बच रहे हैं, सर 15 दिन को हमने क्या बोल सकते हैं, हाफ, और सर हम हाफ को और क्या बोल सकते हैं, 0.5, हाँ कि ना, कैसे। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, फरवरी तक 11 महीने बचे, सर जनवरी में भी तो दिन बच रहे हैं ना आपके, कितने दिन बच रहे हैं, 15 दिन, 15 दिन मतलब पूरा आधा महीना, और आधे को हम क्या बोल सकते हैं, 0.5, करेक्ट सर। तो जब हम सेकंड निकाल रहे हैं, यानी कि मिडिल वाला फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या चीज़ आ जाएगी, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना, 11.5 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग कब करेगा, दिसंबर को, यानी दिसंबर 15 को करेगा, दिसंबर 15 को किया, कितने दिन बचे अभी भी इसके पास, सर 15 दिन तो बच ही रहे हैं इसके पास कैसे भी करके।
आग लगा रहे तुम लोग, यानी कि सर 0.5 बचा अपॉन 2, सर कितना आ जाएगा 12/2 विच इज इक्वल टू 6। सर बन गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी था सर, एकदम इजी। ठीक है, ये लो सर, ये वाला भी आ गया, आपको इसको फिर से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सर 6.5 कैसा है, समझ गए। सर 6 कैसा है, समझ गए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपन। टेन टेन तीसरा वाला मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। चलो बता देता हूं यार, कोई बात नहीं, प्रॉमिस तोड़ देने चाहिए, रूल्स आर मेड टू ब्रेक ब्रोकन। मेरी मोटिवेशन वीडियो आने वाली, उसको प्लीज़ देखना, ठीक है, अपन मोटिवेटर भी है पार्ट टाइम, ठीक है। सर अब बोलता है एंड, एंड ऑफ मंथ, यानी कि हर महीने के एंड में करता है, ठीक है। अब हर महीने के एंड में मतलब क्या होगा भैया, जनवरी 30 को, ओके, जनवरी 30 को किया, ठीक है सर, मतलब खत्म, जनवरी तो पूरा खत्म, जीरो हो गया सर। कितने महीने रह गए, 11, यानी पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे भैया के पास, 11 महीने बचे। सर लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 30 तारीख को करेगा, हाँ 30 को करेगा, कितने दिन बचे। सर 0/2 कितना हुआ सर, यहाँ पर ये हो गया 11/2, ये हो गया आपका कितना 5.5। लीजिए दोस्तों ये आपकी चीज़ें बन गई, ठीक है, ये लो, इतना आसान है, ये इतना आसान है। ईयरली वाला हमने निकाल लिया, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। यही अगर आप बुक में जाएंगे तो आपको लिखा होगा 6.5, 6.6, 5.5, ठीक है। स्कूल में बोलते हैं ना याद कर लो, याद नहीं करेंगे अपन, याद नहीं करेंगे अपन, इसको क्या करें, समझ गए सर, अभी अपने को फॉर्मूला कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। होप्स आपको ये वाली चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। अपन अभी इसी में आगे बढ़ते हैं, किसके लिए, क्वार्टरली के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर क्वार्टरली की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से क्वार्टर वाले मेथड में। अब अपन क्वार्टर, ठीक है, फ़र्क है, ठीक है, नहीं, ठीक है, ये वाला है ना, गंदी चीज़ें नहीं, ध्यान देंगे। अब अपन करेंगे सर क्वार्टर मेथड। क्वार्टर मेथड में क्या, क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, वही सिलसिला चलना है, ठीक है। सिलसिला ये चाहत का ना मैंने बुझने दिया, ओ पिया ओ पिया ओ पिया, ठीक है, आई एम वेरी गुड एट रैपिंग ऑल्सो, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले क्वार्टरली का मतलब ना जान लीजिए, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, क्वार्टर का मतलब होता है कि 1/4, ठीक है। अब एक महीने, एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, सर 4 क्वार्टर, और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, सर 3, ठीक है, ये रहा, ठीक है। एक क्वार्टर कितना हुआ, जनवरी फरवरी मार्च, ये हुआ एक क्वार्टर। अप्रैल मई जून दूसरा, जनवरी फरवरी, जनवरी बोल रहा हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर, 4 क्वार्टर होते हैं, और हर क्वार्टर में महीने कितने होते हैं सर, 3 महीने होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, यानी कि जो आपका पूरा 12 महीने हैं वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, और हर पार्ट में कितने महीने आते हैं, 3 महीने। तो किसी ने भी अगर आपसे पूछा कि एक क्वार्टर कितने महीने का होता है, तो आप क्या बोलेंगे सर, 3 महीने का होता है, ठीक है। आई बात समझ में, कितने महीने का, 3 महीने का। अब क्वार्टरली क्वेश्चन कहता है कि सर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, यानी कि वो हर क्वार्टर की, मंथली बोल रहे हैं, हर क्वार्टर, ये क्या हुआ, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने का क्या होता है, एक क्वार्टर, यानी वो हर 3 महीने में एक बार पैसा निकालेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, उसने निकाला सर 1 जनवरी को पैसा निकाला, हाँ सर बिगिनिंग मतलब 1 जनवरी, समझ गए, बिगिनिंग मतलब 1 जनवरी को उसने पैसा निकाला, वही फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। चलिए सर पहला निकाल के दिखाइए मेरे को जल्दी जल्दी से, ठीक है। कितने महीने बच गए सर, पूरे के पूरे 12 महीने रह गए सर, ओके 12 महीने प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, वो हर क्वार्टर की 1 तारीख को पैसा निकालता है, तो 1 जनवरी को निकाला होगा, अगला निकाला होगा 1 अप्रैल को, ठीक है। महीना नहीं बोल रहा है, हर क्वार्टर बोल रहा है, हर क्वार्टर के पहले दिन, हर क्वार्टर के पहले दिन, तो उसने लास्ट क्वार्टर को कब निकाला होगा, 1 अक्टूबर को निकाला होगा, करेक्ट, ठीक है। ये पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, जो कि हमारा लास्ट क्वार्टर है, तो उसने क्या कर रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग उसकी कब हुई होगी, उस साल 1 अक्टूबर को किया होगा, ठीक है। कितने महीने बच गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 12 + 3/2 कितना है सर, 15/2 कितना हो गया सर, 7.5। लीजिए सर पहला आ गया हमारे पास, ईजी था, ठीक है सर, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, फिर से एक और बार क्लियर करो।
हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, हर क्वार्टर के, अब हमारे यहाँ पे मंथली सिस्टम नहीं है, मंथली सिस्टम ईयरली वाले में था, वो ख़त्म हो गया वहाँ पे। अब यहाँ पर ना कौन सा सिस्टम चलने वाला है सर? क्वार्टरली, हर क्वार्टर, तीन महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिडिल ऑफ क्वार्टर, ठीक है। अभी ना यूट्यूब में बहुत सारे हीरो लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे हीरो लोग आ चुके हैं, वो अपने आप को दिखाते हैं कि आई एम दिस आई एम दैट। अबे छोड़ो, पब्लिक चैनल में गाली नहीं बकते। क्वार्टर, आगे मिडिल ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर का मतलब क्या होता है सर? हर क्वार्टर के मिडिल में, मंथ का मिडिल नहीं बोल रहे, हर क्वार्टर का मिडिल। सर इस क्वार्टर का मिडिल क्या हुआ? 15 फरवरी। ऐसे कैसे? ध्यान देना, कितने महीने? एक दो तीन, तीन का आधा कितना होता है? डेढ़, यानी 1.5, ठीक है, एक महीना और 15 दिन इसका। लो भैया कौन सी तारीख आई? 15 फरवरी, यानी कि ठीक वैलेंटाइन डे के बाद पैसा निकाला उसने। सबको निकालना पड़ता है क्योंकि वैलेंटाइन डे में तो पैसा ख़त्म हो ही जाता है, हमारा बसता ही कहाँ है, ठीक है लड़कों। और मेरी कुछ बहनें भी हैं जो क्या ही बोलें। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड, ठीक है। सच्चा प्यार पैसा नहीं देखता, और ऐसा बोलने वाला दुनिया में सबसे बड़ा चूतिया होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना दोस्तों, इसलिए पढ़ लो, पढ़ लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है, कॉलेज में मिला, अच्छा प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई भी बाप अपनी बेटी देने से पहले सोचेगा नहीं, ठीक है, वो कहावत गई अब ख़त्म कि मोहल्ले का पैर इंजीनियर और ना डॉक्टर ले जाते हैं, आजकल CA और CS लेके जाते हैं, समझा। आगे बढ़ते हैं, चलो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सर इसने 15 तारीख को पैसा निकाला, ठीक है, अब 15 को पैसा निकालो सर, महीने कितने बच गए? 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 10 और आधा 10.5, ठीक है सर 10.5। अबे अबे अबे, कैसे 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 कैसे, फिर से सर, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, कितना हो गया? 9 महीना, मार्च का 10 महीना, और फरवरी तो आधा बचा है ना अभी भी मेरे पास, आधा मतलब 0.5, मैंने लिख दिया 10.5, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। और उसके बाद क्या बोलता है? लास्ट ड्राइंग। सर लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? 15 नवंबर को किया होगा, लास्ट क्वार्टर मतलब लास्ट ड्राइंग हुआ होगा, ठीक है। तो कितना कितना बचा? एक इसका और आधा इसका, 1.5 अपॉन 2, कितना हो गया सर ये आपका? 12/2, ये हो गया 6, ठीक है। लो दोस्तों ये भी निकल गया, ठीक है। अब एंड क्वार्टर, सर ये वाला मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करें, ठीक है, क्या मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑफ क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर के एंड में, कब? एंड में, ठीक है। यानी कि इसने कब निकाला? मार्च में, 31 मार्च को निकाला पहला, मतलब एंड ऑफ क्वार्टर मतलब पहले क्वार्टर में निकाला होगा 31 मार्च को, ठीक है। तो कितने दिन बच गए इसके पास? 9 महीने बच गए। हाँ सर, 9 महीने कैसे बचे सर? मार्च को निकाला सर, अप्रैल मई जून 3 महीना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है, 9 महीने बच गए। प्लस उसने आखिरी कब किया होगा क्वार्टर की? इस तरीक को किया होगा, ठीक है, इस तरीक को किया होगा, जिसको छित्र तो पढ़ने ही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इधर? 0/2 बटे कितना आ गया इधर? 9/2, कितना आ गया सर? 4.5। लीजिए इसका छित्र प्रतारण करें और आगे बढ़ें, ठीक है। लो दोस्तों ये भी आपका निकल गया, ठीक है, जिंदगी में अब क्या ही बचा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले मेथड की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो ये हमारा इस चीज का लास्ट है, ठीक है। लास्ट मतलब क्या सर? कौन सा मेथड है सर? ये देखिए, हाफ एनली मेथड, ठीक है। हमें इतना क्या देखना है? हाफ एनली मेथड के ऊपर देखना है। चलिए शुरू करते हैं हाफ एनली मेथड, बहुत ज्यादा सिंपल है। हाफ एनली करें, जैसे आपको समझ में आता है कि सर यहाँ पे बात हो रही सिर्फ 6 महीने की, ठीक है, यानी कि जो अपना ड्राइंग होती है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना कितना होता है सर? 6-6 महीना रहता है, ठीक है, 6 महीना 6 महीना। अब यहाँ साल काउंट नहीं होगा, यहाँ पे कितना काउंट होगा? सिर्फ 6 महीना काउंट होगा, ठीक है सर। फटाफट हम आगे बढ़ेंगे सर, फटाफट स्पीड से, स्पीड। चलिए वो मैं पावर इन स्पीडिंग हो, ठीक है, वो आता, ठीक है। आगे बिगिनिंग, बिगिनिंग सर पता चल गया कि भैया बिगिनिंग मतलब 1 जनवरी की बात कर रहे हो, जल्दी आगे बढ़ो। बिगिनिंग में निकलता होगा कितने महीने? 6 महीने। लो भैया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस सर अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग उसने कब किया होगा सर? जून में किया होगा। तो कितने महीने बचे उसके पास? 1 महीना।
अपॉन टू। अब आपके दिमाग में बताओ क्या दौड़ रहा होगा, अदृश्य कैलेंडर। अदृश्य कैलेंडर कैसे होता है, ऐसा होता है, अदृश्य कैलेंडर का नाम कैसे, अदृश्य कैलेंडर आ रहा होगा आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसा अदृश्य कैलेंडर आपके ना दिमाग में आ रहा होगा। अब उन्हें क्या बोल रहा होगा, अबे जून के बाद तो अभी भी और बहुत सारा टाइम बचा है, ठीक है, बस दिमाग को यहीं पे क्या देनी है, अपने को गोटी देनी है। और वो गोटी क्या कहती है, हम हाफ ईयरली बेस पे बात कर रहे हैं। हाफ ईयरली बेस का मतलब क्या होता है भैया, आधा साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा बेस क्या हो गया, हाफ ईयर, ठीक है। हाफ ईयर मतलब लाल रंग का मुझे मेरी जून में हुई, तो कितने महीने बचे मेरे पास, वन, ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। कितना महीना बचे सर 0.5 अपॉन क्या होगा सर 2, कितना होगा सर 6 बाय 2, कितना होगा सर 3। चलिए सर अब आई आती है लास्ट की, एंड की। एंड मतलब उसने कब निकाला होगा सर, जनवरी 30 को, तो 1, 2, 3, 4, 5 5 प्लस लास्ट का तो कुछ भी नहीं बचा होगा सर 0, क्योंकि 6 महीने का बेस है, 6 महीना माफ खत्म हो गया उसका, आई हैव 2, ठीक है, ये हो गया 5 बाय 2, ये हो गया कितना 2.5। लो दोस्तों, ठीक है, बुक में इसके एक छोटा सा टेबल बना के दे दिए होंगे, लेकिन अपन लोगों ने इसको क्या किया, फॉर्मूला लगा के याद कर लिया। जिंदगी में कभी वैसे कोई समय आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस टाइम लैग टोटल फल रहे, टाइम लैग टोटल लाल रंग अपॉन टू, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सब निकलवा तो दिए हो, इसका काम क्या है, ठीक है। अब इसका काम कैसे आएगा पता है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे।